बैंक ऑफ बड़ौदा की जानिब से चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का अतिया दिया गया है। तेलंगाना के सैलाब जदगान की मदद के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा भी आगे आया है और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 1 करोड़ रुपए अतिया किया है। जुमेरात को बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर रितेश कुमार और डीजीएम एमवीएस सुधाकर ने जुबली हिल्स में वाकई चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की रिहाइश का पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अतिये का चेक हवाले किया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने नामपल्ली हलके में एआईएमआईएम और कांग्रेस के दरमियान हुई झड़प के सिलसिले में एमएलए माजिद हुसैन और कांग्रेस लीडर फेरोज खान से मुलाकात की। नामपल्ली असेंबली हलके में कांग्रेस रहनुमा फेरोज खान और एमएलए माजिद हुसैन के दरमियान सर्द जंग अरसे से जारी है। इस माह के अवायल में दोनों के दरमियान तसादुम हुआ था। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने जुमेरात को एमएलए माजिद हुसैन और कंटेस्टेंट एमएलए फेरोज खान को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बंजारा हिल्स तलब किया और उनसे तफसीलात हासिल की। दरियासना सीपी ने दोनों कायदीन को ताकीद की है कि जिस इलाके में फेरोज खान जाए एआईएमआईएम वहां जाने से गुरेज करें और जिस इलाके में एआईएमआईएम कायदीन पहुंचे फेरोज खान उस इलाके में ना जाए। सीवी आनंद ने लॉ एंड ऑर्डर में खलल ना डालने, अवाम की खिदमत करने और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाने का भी मशवरा दिया है। राजन्ना सिरसिला जिले में 17वें बटालियन के पुलिस एहलकारों की बीवियों ने अम्बेडकर चौराहे पर धरना देकर मुतालबा किया है कि रियासत में एक ही पुलिस निजाम होना चाहिए। जराये ने बताया कि पुलिस एहलकारों की बीवियों ने उनके शोहरों को दीगर फराइज सौंपने पर मजबूर किए जाने और उन्हें अपने खानदानों से दूर करने के खिलाफ जुमेरात को राजन्ना सिरसिला जिले में एहतजाज किया। तमिलनाडु और कर्नाटक रियासतों की तर्ज पर पुलिस निजाम नाफिज करने की मांग की। एहतजाजी खवातीन ने उनके शोहरों से मजदूरी करवाने, कचरा उठाने पर मजबूर किए जाने का इंकशाफ किया। दरियासना पुलिस ने एहतजाजी खवातीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मेडचल के बोरमपेट में एक 4 साल लड़की के साथ ज्यादती करने और उस पर तशद्दुद करने का गैर इंसानी वाकया पेश आया। जराये ने बताया कि मेडचल के बोरमपेट में एक हफ्ता कबल योगी और कुछ गुंडों ने 4 साल लड़की की अस्मत दरी की। ये मामला ताकीर से मंजर आम पर आया है। बताया जाता है कि लड़की को बुरी तरह से जदकोप किया गया और उसे तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में लड़की की हालत तश्वीशनाक है और वो अस्पताल में सेरे इलाज है। तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमदुल्ला खान खालिद ने जहीराबाद में फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से रैली निकाल कर मुसलमानों की अमलाक को निशाना बनाने की मजम्मत की और महकमे पुलिस की सदाकत पर सवाल उठाए। जहीराबाद में फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से रैली निकाल कर मुसलमानों की अमलाक को निशाना बनाने का वाकया पेश आया है। एमबीटी तर्जुमान अमदुल्ला खान खालिद ने एक बयान जारी करते हुए पूछा है कि फिरका परस्त तंजीमों को जुलूस और धरने की इजाज़त क्यों दी जा रही है। उन्होंने सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संगारेड्डी की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि कांग्रेस के इख्तदार में आने के बाद से बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद वगैरह के कारकुनान की जानिब से मुसलमानों और उनके मजहबी इदारों और कारोबारी इदारों पर मुसलसिल फिरकावाराना फसादात और हमले हो रहे हैं और पुलिस की जानिब से किसी न किसी बहाने से उन्हें रैलियाँ निकालने या धरने करने की इजाज़त दी जा रही है। उन्होंने पूछा है कि महकमे पुलिस की जानिब से इस तरह की रैलियों या धरनों के दौरान एहतियाती गिरफ्तारी या फिर एहतियाती तदाबीर इख्तियार क्यों नहीं की जाती। उन्होंने याद दहानी करवाई कि पिछले 8 महीनों में मुसलमानों पर मुतादद फिरकावाराना हमले हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इसका नोट लेना चाहिए और अमन अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी कार्रवाई करनी चाहिए। एमबीटी रहनुमा ने मुतालबा किया है कि महकमे पुलिस तेलंगाना में तमाम मजाहब के जुलूसों, धरनों वगैरह पर पाबंदी आयद करे और रियासत में गंगा जमनी तहसीब को बरकरार रखने के लिए इंतहाई सख्ती से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। रियासत हाय मुतहदा अमरीका के शहर होस्टन में जमा मार्केटिंग का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद बदरुज़्ज़मां एक NRI के तौर पर अमरीका में मुकीम है। जमा मार्केटिंग के बानी वो चेयरमैन मोहम्मद बदरुज़्ज़मां की क़यादत में अमरीकी शहर होस्टन में
जमा मार्केटिंग का शानदार इफ्तिताह हुआ। मशहूर गुलकार राहत फतेह अली खान ने इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और अपना सूफियाना कलाम पेश किया। मोहम्मद बदरुज़्ज़मान ने बताया कि जमा मार्केटिंग दुबई के रियल स्टेट मार्केट में एक्सपर्ट गाइडेंस, एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज़ और माहरीन की रहनुमाई में काम करने वाली गैर मामूली खसूसियात की हामिल एक काबिल एतमाद अमरीकी कंपनी है। टिमरीज के सदर और वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी ने राजेंद्र नगर में टिमरीज बॉय स्कूल का अचानक दौरा किया। टिमरीज स्कूल्स के बुनियादी ढांचे, तदरीसी मियारात और तुलबा को फराहम की जा रही सहूलियात का मुआयना करने के लिए टिमरीज के सदर व वाइस चेयरमैन फहीम कुरैशी ने अचानक राजेंद्र नगर बॉय स्कूल का दौरा किया। दरियासना उन्होंने अमले को हिदायत जारी की है कि वो तुलबा को बेहतरीन तालीम फराहम करे और हर चीज मियारी फराहम की जाए। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने बटालियन में काम करने वाले पुलिस एहलकारों के अहले खाना से यकजहती का इजहार किया और पुलिस के आला ओहदेदारों को मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की तजवीज़ दी। साबिक वजीर व सिलसिला एमएलए केटीआर ने डचपले की 7वीं बटालियन के रूबरू एहतजाज करने वाले कांस्टेबल्स के अहले खाना के साथ यकजहती का इजहार किया और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। दरियासना उन्होंने बटालियन पुलिस के आला ओहदेदारों से भी राबता किया और उन्हें कांस्टेबल के मसाइल जल्द अज जल्द हल करने की तजवीज़ दी। केटीआर ने पुलिस और सरकारी ओहदेदारों को इंतबाह दिया है कि वो इंसाफ से काम लें, बसूरत दीकर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। साउथ सेंट्रल रेलवे के तहत तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एमपीस का एक इजलास रेल नीलायम में मुनाकिद हुआ। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की सदारत में साउथ सेंट्रल रेलवे के ज़ेर एहतमाम तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के एमपीस का एक इजलास रेल नीलायम में मुनाकिद हुआ। जायजा इजलास में मध्य प्रदेश के हलकों में रेलवे स्टेशन की तरक्की, हलकावार रेलवे की तरक्की पर तबादला ख्याल किया गया। दरियासना एमपीस ने नई रेलवे लाइंस, रेलवे अंडर ब्रिजेस और अंडर पासेस व दीगर मसाइल से हुकाम को वाकिफ करवाया और तजावीज़ात भी पेश की। रेलवे बजट में किए गए वादों और मख्तस किए गए बजट पर भी तबादला ख्याल किया गया। वाज़ेह है कि मरकजी हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट में रेलवे अलाटमेंट को तरजीह दी जाएगी। इसी सिलसिले में इजलास मुनक़िद किया गया था। मरकजी वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने काजान में 16वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तनाजात और कशीदगी को मौसर तरीके से हल करने पर जोर दिया है। काजान में 16वीं ब्रिक्स चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई जिसमें हिंदुस्तान के वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि तनाजात और तनाव को मौसर तरीके से हल करना वक्त की अहम ज़रूरत है और वजीर आजम ने भी इस बात पर जोर दिया है कि ये जंग का दौर नहीं है बल्कि तनाजात और इख्तलाफात को बातचीत और सिफारतकारी से हल करना चाहिए। उनका कहना था कि एक बार तय पाने वाले माहदों का एहतराम किया जाना चाहिए, बैन अलावा खवानीन की पासदारी भी की जानी चाहिए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथलैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। नशे में धुत माँ ने अपने 10 माह के बच्चे को 90,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। ये वाकया राजन्ना सिलसिला ज़िले में शराब की एक दुकान पर पेश आया। नौजायदा को ख़रीदने वाली जगतियाल की रहने वाली लक्ष्मी इनामी खातून ने बताया कि श्यामला ने उसे ये बच्चा फरोख्त किया है। लक्ष्मी ने बताया कि वे मिलवाड़ा बल्दिया के टिप्पापुर में इस नौजायदा को ख़रीदने का माहिदा किया गया जिसके लिए 90,000 रुपये अदा किए गए।
रकम हाजिर करने के बाद श्यामला ने पुलिस स्टेशन में अपने बच्चे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस की तहकीकात में सारा मामला सामने आया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर कुलहिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की हिदायत पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहीउद्दीन की नुमाइंदगी पर नानल नगर डिवीज़न में टोली चौकी फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के मंसूबे की मंजूरी अमल में लाई गई है। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहीउद्दीन ने जीएचएमसी के डिप्टी ईई के साथ टोली चौकी फ्लाईओवर जंक्शन का तफसीली तौर पर मुआयना किया। इस फ्लाईओवर को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में मुख्तलिफ काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें जीएचएमसी के जानिब से 2 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ये रकम मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर की गई है। आइंदा हफ्ते इन कामों की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जाएगी। फ़राइज की अंजामदही के दौरान शोहरों को दरपेश मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए कांस्टेबल्स की बीवियों ने एहतजाज किया। वरंगल और नलगुंडे के बाद आज सिलसिला में मुलाजमीन पुलिस की बीवियों ने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इस एहतजाज का मकसद उनके शोहरों को दरपेश मसाइल के सिलसिले में हुकाम को चौकन्ना करना है और हुकाम से नुमाइंदगी करना है। पुलिस ने एहतजाज करने वालों को गिरफ्तार कर लिया। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में दिवाली की तकारीब पर तनाज़े के बाद बाज़ तंजीमों के तलबा ने जश्न मनाने के लिए 23 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी की तरफ मार्च करने की कोशिश की। ताहम गेट पर तैनात पुलिस ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। हुजूम ने गेट नंबर 13 के सामने दिए रोशन किए और बाज़ तलबा ने जश्न मनाया, जिसके बाद इन तलबा ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कायदीन मूसा नदी का दौरा करने गए थे, ताहम बीजेपी के कायदीन तफसीलात मालूम करने के बजाय धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की रियासती क़यादत और अरकान पार्लियामेंट से दरख्वास्त करते हैं कि मूसा नदी के मुतासरीन के मसाइल को तहरीरी तौर पर हुकूमत के इल्म में लाएँ और उनके हक़ में जो इंसाफ होना चाहिए इसके बारे में तफसीलात बताएं। हुकूमत ज़रूर मुस्बत रद्द अमल ज़ाहिर करेगी और उनके मसाइल के हल को यकीनी बनाएगी। कांग्रेस हुकूमत रेवंत रेड्डी की क़यादत में इस बात की जिम्मेदारी लेगी कि इनकी बाज़ाबादकारी की जाए और इन अफराद के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना होने पाए। ज़हीराबाद में एहतजाजी रैली के दौरान मुसलमानों के अमला को निशाना बनाया गया। शरपसंदों की इस एहतजाजी रैली का आगाज़ भवानी मंदिर से हुआ, जो शहर के अहम इलाकों से गुजरते हुए दफ्तर तहसीलदार पहुंचने वाली थी। तहम बस डिपो से दफ्तर तहसीलदार के रास्ते में ही रैली में मौजूद शरपसंदों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिरकापरस्त अनासर ने स्टार राइट रेस्टोरेंट को निशाना बनाया, जिसका कल शाम ही इफ्तिताह अमल में आने वाला था और डेकोरेशन भी किया जा रहा था कि शरपसंदों ने ज़बरदस्ती होटल बंद करवा दी और डेकोरेशन को तोड़फोड़ के बाद नुकसान पहुंचाया। होटल मुलाजिम पर भी पत्थर से हमला किया गया। दफ्तर तहसीलदार के करीब वाक़ इंडिया साइकिल स्टोर में भी घुसकर बच्चों की साइकिलों को बाहर फेंक दिया गया। मजलिस के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन ने मच्छरकश अदविया के छिड़काव के कामों की निगरानी की। मच्छरों की लानत पर काबू पाने के लिए ये छिड़काव बलकापुर नाला, हकीमपेट और दीगर इलाकों में किया गया। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ये दवाएं छिड़की गईं। इस मौके पर मोहम्मद नसीरुद्दीन के साथ इब्तदाई मजालिस के सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। साबिक रियासती वजीर व बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने पुलिस कॉन्स्टेबल्स के ख़ानदानों के साथ दिगजेती का इजहार किया। ये ख़ानदान पुलिस कॉन्स्टेबल्स को दरपेश मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए धरना दे रहे थे। तारक रामा राव ने इनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की और तय खुन दिया कि पुलिस के आला अहदेदारों को इनके मसाइल से वाकिफ करवाया जाएगा और कॉन्स्टेबल्स के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने को यकीनी बनाने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर इनके मसाइल हल नहीं किए गए तो बीआरएस की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा।
रेत की गैर कानूनी तौर पर मुंतकली को नाकाम बनाते हुए ट्रैक्टर को जब्त करने वाले तहसीलदार पर रेत माफिया ने बरहमी का इजहार किया। ये वाकया महबूबाबाद जिले के पुली कुदरू मंडल में पेश आया, जहां तहसीलदार राजू ने रेत की गैर कानूनी मुंतकली को नाकाम बनाते हुए रेत मुंतकिल करने वाले एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। इस वाकये पर बरहम रेत माफिया ने तहसीलदार पर बरहमी का इजहार किया। इस सिलसिले में तहसीलदार ने पुलिस से शिकायत की। साइबराबाद पुलिस ने अंदरून 35 दिन चोरी किए हुए और गुमशुदा 800 सेलफोन्स बरामद करके मालिकीन के हवाले कर दिए, जिनकी मालियत 2,40,00,000 रुपए बताई जाती है। साइबराबाद पुलिस ने CIIR पोर्टल के जरिए सेलफोन्स का पता लगाते हुए उन्हें बरामद कर लिया। साइबराबाद कमिश्नरेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा तकरीब में ये सेलफोन हकीकी मालिकीन के हवाले किए गए। इस मौके पर DCP क्राइम्स नरसिम्हा IPS ने कहा कि अंदरून 35 दिन 800 मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए गए हैं। 135 फ़ोन माधापुर, 140 फ़ोन्स बालानगर, 101 फ़ोन मिर्चल, 133 फ़ोन्स राजेंद्र नगर पुलिस ने बरामद किए हैं। मंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके बारकस कब्रस्तान की गेट के करीब तेज़ रफ्तार ऑटो बेकाबू हो गया और इसने सड़क के किनारे लाइट के खंभे को टक्कर दे दी। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। मंडलागुड़ा पुलिस स्टेशन के हदूद के इलाके बारकस कब्रस्तान की गेट के करीब तेज़ रफ्तार ऑटो बेकाबू हो गया और इसने सड़क के किनारे लाइट के खंभे को टक्कर दे दी। इस हादसे में ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया, इसको इलाज के लिए फौरी तौर पर दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया। बारिश के बाद बंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पर और नीचे बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई। कल शब ये सूरत हाल पेश आई, जिसके बाद हजारों अफराद अपनी कंपनी की गाड़ियों और बसों से उतरकर अपने घरों की तरफ पैदल चल पड़े। फ्लाईओवर पर तकरीबन 3 घंटे तक ट्रैफिक जाम की सूरत हाल देखी गई। सीनियर IAS अहदेदार उमय कुमार ने अपने वकील के साथ बशीरबाग में वाक़ ED के दफ्तर में पूछताछ में हिस्सा लिया। ED के अहदेदारों ने तकरीबन 7.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की। वो मीडिया को चकमा देते हुए सुबह ही ED के दफ्तर पहुंच गए। ED ने महेश्वरम मंडल के नागारम में भूदान अराजियात की मुंतकली के बारे में उनसे पूछताछ की। IAS अहदेदार पर मुबैना इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने सैकड़ों करोड़ रुपये मालियत की 42 एकड़ अराजी गैर क़ानूनी तौर पर मुंतकिल कर दी। IAS अहदेदार पेशरो हुकूमत में ज़िला मिर्चल मलकाजगिरी के कलेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। तेलंगाना के वज़रा पोंगुलेट्टी श्रीनिवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर, वज़ीर आला के मुशीर VM नरेंद्र रेड्डी, भुवनगिरि के रुकने पार्लियामेंट C किरण कुमार रेड्डी, अराकीन असेंबली मालरेड्डी रंगारेड्डी, यादैया प्रकाश गौड़, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाना किशोर और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट के हुक्काम ने जनूबी कोरिया के इंचुएन शहर में वाकई 3 बैनुल अक्वामी स्मार्ट शहरों का दौरा किया। रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि जनूबी कोरिया की मईशत को बेहतर बनाने के लिए 2003 में इंचुएन फ्री इकोनॉमिक जोन कायम किया गया था। ये जोन फाइनेंस, सियाहत और तिजारत के लिए एक ITPT के हब के तौर पर काम करता है और नॉलेज और सर्विस इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग देता है। इसका फोकस लॉजिस्टिक और सियाहत पर है। मुकामी हुकाम ने 3 बैन अलाक़वामी स्मार्ट शहरों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।